मैं गगनगिरी जी महाराज आज आनंद की खोज के बारे में बात कर रहा हूँ। इस सृष्टि में हर कोई मानव आनंद की खोज करते रहते हैं। मन का स्वभाव ही आनंद का ही है। हमेशा मन को किसी भी चीज़ में आनंद मिलता है, वही आनंद के लिए मन हमेशा भटकता रहता है। फिर भी मन अनंत आनंद की खोज नहीं कर पाते। दुनियावी आनंद के लिए मन भटकता रहता है, लेकिन वो आनंद तनाव भरा मिलता है। मानव की सारी खोज का निचोड़ निकाला जावे तो आनंद का ही इसमें छुपा रहता है। किसी की धन की खोज होगी, किसी की प्रेम की खोज होगी, किसी की मान मोभा खुर्सी की खोज होगी, किसी को इज्जत की खोज होगी, किसी को दौलत की खोज होगी, किसी को पद की खोज होगी। इस सृष्टि में हर कोई मानव खोज के पीछे ही पड़ा है। भीतर मन को आनंद मिले, यही उनका उद्देश्य होता है। हर कोई खोज के भीतर का आनंद की ही खोज वो छुपी रहती है। सबकी अलग अलग प्रकार की खोज, भीतर तो आनंद की खोज छुपी है, लेकिन ये सब आनंद की खोज में लगे हैं, तो ये भी मनन करना चाहिए कि हमने आनंद कहाँ खोया है और कौन से स्थान पर हमने आनंद खोया है। ये खोज मानव को लगानी चाहिए तो ही वास्तव में अनंत आनंद की मौज ले सकेंगे। ये दुनियावी खोज तो क्षणिक है और तनाव भरा आनंद है। जहाँ आनंद को खोया है हमने, वहाँ ही आनंद की खोज होनी चाहिए। मानव ने भीतर से आनंद को खोया है तो मानव की आनंद की खोज भीतर से ही होनी चाहिए। बाहर तो कहाँ से आनंद मिल सकेगा। जहाँ खोया वहाँ ही खोजो तो आनंद जरूर मिल जाएगा। जहाँ खोया है वहाँ तो किसी की ढूंढ है ही नहीं, और जहाँ नहीं खोया है वहाँ पूरी दुनिया खोजने निकल रही है। तो क्या ये आनंद वहाँ से मिल सकेगा? कभी नहीं मिल सकेगा। हर कोई मानव को अनंत आनंद भीतर ही खो चुके हैं, तो उनकी खोज भीतर से ही करनी चाहिए, तो ही इस भीतर का आनंद अनंत आनंद मिल सकेगा। हरिओम तत्सत।